हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। आज हम नया टॉपिक लर्न करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं, उसका बेस क्लियर करते हैं। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसका एक क्लास बनाया है, और क्लास का जो नेम है वो मैंने यहाँ पे डक लिया है। उसके अंदर दो मैंने फंक्शंस बनाए हैं, क्वैक एंड वॉक। और जो क्लास डक बनाई है वहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है, डेट इज़ अ स्कोप ऑफ द क्लास। और डेफिनेशन जो है क्वैक और वॉक वो उस क्लास के मेंबर्स है। सो ये इस क्लास के लिए ही डिफाइंड है और उसके लिए वर्क करेंगे, राइट? और यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ क्वैक एंड वॉक है, इसको अगर हमें कॉल करना है तो मैंने मेन के अंदर उसको कॉल किया है, और क्वैक के अंदर हमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स होता है फंक्शन का वो हमें सेल्फ रखना होता है। वो कोई कीवर्ड नहीं है, वो एक्चुअली वो रिकमेंड करता है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो उस डेफ के अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो एज ए ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाएगा। सो आउटसाइड द डेफ भी हम उन वेरिएबल्स को सेल्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज वो वेरिएबल्स आपके विद इन द स्कोप ऑफ पर्टिकुलर डेफिनेशन होंगे जो हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब मैंने क्लास जो है डक, उसका मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया डोनाल्ड। सो विद द हेल्प ऑफ डोनाल्ड हम डक क्लास के कोई भी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। से डक डॉट क्वैक मैंने कॉल किया, डॉट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो डक डॉट क्वैक मैंने इस मेथड को कॉल किया, और नेक्स्ट मैंने डक डॉट वॉक मेथड को कॉल किया। सो क्वैक और वॉक दोनों जब एग्जीक्यूट हुए, हमने प्रोग्राम रन किया, तो क्वैक के अंदर प्रिंट क्वैक प्रिंट हुआ और वॉक के अंदर वॉक लाइक डक प्रिंट हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ, साउंड दैट इज़ जिसमें क्वैक लिख देता हूँ, और दूसरा वॉकिंग जिसके अंदर मैं वॉक्स लाइक अ डक वहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे प्रिंट की जगह मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉल करता हूँ साउंड, बट साउंड हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। सो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट साउंड अगर हम प्रिंट करेंगे तो ही उसका आउटपुट जनरेट होगा। सो हर एक डेफ के पास जो आर्ग्यूमेंट्स है उस सेल्फ आपको डालना ज़रूरी है, और आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंड डेट आप सेल्फ का यूज़ करो बिकॉज ये बहुत जनरल यूज़ है। सो अब मैंने सेल्फ डॉट साउंड ऑफ वॉक जब कॉल किया तो क्वैक और वॉकिंग लाइक अ डक यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया। सो इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन क्लास इन पाइथन, और बहुत अच्छे से हम इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक्स के साथ वर्कआउट करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय।